एवरी वन कैसे सब लोग किरण सब लोग ठीक ठाक होंगे और बात होंगी और मैं भी अलहमद ठीक ठाक हूँ आप लोग सब सुनाए इंटरनेट के बगैर नेट बंद होने से कैसी गुजरी जनाब और बस पूछे मत अच्छा नेट बंद होने से ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लाइफ ख़त्म ही हो गई अभी भी नेट वैसे बंद ही है लेकिन मैंने सोचा चलो वॉइस करती हूँ और वीडियो को अपलोडिंग पे लगाती हूँ होनी होगी तो वीडियो अपलोड हो जाएगी और हो सकता है कि आप आपके आप में से जितने भी लोग हैं वीडियो देख लें और कुछ लोग ना भी देख सकें वैसे ही मेरी वीडियो कौन सी इतनी सारे लोगों ने देखनी होती है लेकिन चलो जितने भी लोगों ने देखनी है देख लेंगे और यहाँ पर ना शाम का वक्त था और शाम के वक्त जैसे ही मैंने अपनी क्यारी में बहुत सारा पानी डाला ना मुर्गियों को इतना मज़े का लग रहा था वो पानी तो बस बड़ी एहतियात से मैंने उन्हें वो पानी पीने दिया जैसे मेरी थोड़ी सी नज़र हटी ना तो उन्होंने दो तीन पत्ते जो हैं वो तोड़ दिए ना आ, हरी मिर्चों की और हरी मिर्चें जो है ना माशाला से उस पर आना शुरू हो गई हैं तो मैं वो देखने के लिए आई हुई थी तो यहाँ पर ना दोनों बच्चे खेले तो मैंने सोचा कि इनकी ना वीडियो बना लेती हूँ ये एक मेमरीज़ होती हैं बच्चों की जो मेरे पास इन शाला सेफ रहेंगी और ये भी बड़े होकर अपनी वीडियोज़ देख सकते हैं और यहाँ पर ना मैंने आ, क्यारी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी नीची थी मतलब मिट्टी थोड़ी नीचे थी तो फिर ये कि ये छुट्टी वाला दिन था संडे वाला दिन तो फिर ये कि हस्बैंड ने काफ़ी सारी मिट्टी ला के ना इसमें डाली ताकि इसका लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाए और अब मैंने सोचा कि इसमें देखे मैं सोचती थी कि हरी प्याज या धनिया पुदीना वगैरह जो भी कुछ समझ में आया वो लगा लूँगी और आप लोग सुनाएं आप लोग सब कैसे हैं और आप लोग के दिन कैसे गुजरे मुल्क के हालात तो अभी भी ऐसे ही हैं और पता नहीं क्या बनेगा अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पे अपना ख़ास रहम करे और सब कुछ अच्छा हो शाम का वक्त था ये तो मैंने नीचे आके ना फिर मैंने सोचा कि आज खाने में क्या बनाऊँ तो फिर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी तो कीमा रखा हुआ था तो मैंने सोचा मैं कीमा बना लेती हूँ अच्छा ये मैं जो आप कीमा दिखाने लगी ना ये मैंने इम्तियाज स्टोर से लिया था कीमा मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा था तो मतलब मैं वैसे जैसे शॉप वाले से लेके आते हैं ना कीमा तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें फ़ैट की जो है ना क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो मतलब मज़ा नहीं आया मुझे कीमे का तो मैंने हाफ़ पका लिया था और हाफ़ जो है फिर मैंने रख दिया था मैंने कहा फिर किसी दिन पका लूँगी और बच्चों को जो है ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद है तो आलू बस आलू 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 जो भी चीज़ पका लो ना बस उन्हें होता है कि आलू बिरयानी भी बनानी है ना बिरयानी में भी बस उन्हें आलू चाहिए किस किस को आलू पसंद है ज़्यादा ना तो अच्छा मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है पसंद है लेकिन मुझे आलू गोश्त वाले जो आलू होते हैं ना जो शोरबे में पक्के हुए होते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं अच्छा वीडियोस तो मैं डालती रहती हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं देखते हैं और कम लोग हैं जो लाइक करते हैं कि कोशिश किया करें यार आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो को यहाँ पे जो है ना थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी आपके साथ मैंने शेयर की है आलू कीमे की, की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था और फिर मैंने उसमें दो से तीन अदर टमाटर जो है ना वो डाल के थोड़े से उसको सौते कर लिया था उसका जो छिलका है ना उससे जो है वो मर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उससे फिर बहुत अच्छे से वो ग्राइंड हो जाता है और फिर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और बहुत ही बारीक और मज़ेदार सी प्योरी बन जाती है तो आप लोग इस तरह जब बनाएंगे ना शोरबे वाले सालन में तो आप यकीन करें आपकी ग्रेवी इतनी मज़े की बनेगी ना फिर यहाँ पर मैंने उन सब चीज़ों को मसालों को निकाल के कीमे को अच्छे तरीके से भून लिया था और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जितने भी लोग आए मेरी वीडियो पे मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अच्छा मेरी ना आदत है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई काम करूँ ना उसे बड़ी अच्छी नीयत से करूँ और हिम्मत ना हारूँ तो यूट्यूब पर भी यही स्टोरी है कि मैंने अभी तक तो हिम्मत नहीं हारी है आगे का कुछ पता नहीं है अगर आप लोग का साथ बना रहा तो शायद मेरी हिम्मत भी ऐसी बनी रहेगी वरना पता नहीं आगे क्या होता है मैं आगे काम करती हूँ नहीं करती वीडियोस डालती हूँ नहीं डालती कोशिश तो पूरी है कि वीडियोस डालूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और ऐसे ही काम करती रहूँगी यहाँ ना चिकन तंदूरी मसाला रखा हुआ था थोड़ा सा मैंने वो कीमे में डाल दिया था जब भी मैं मसाला डालती हूँ ना तो मैं पानी में या दही में स्पेशली मिक्स करके डालती हूँ उससे मसाला जलता नहीं है उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाया करें बहुत टेस्टी बनता है आलू कीमा बहुत मजे का बना था अच्छा ये देखते हैं आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना मसाला लग रहा था ये इसके फ़ैट की वजह से ही लग रहा था वरना कभी भी मेरा जो है ना आलू कीमा इस तरह लगा नहीं तो मुझे लग रहा था कि शायद फ़ैट ज़्यादा कीमे में इस वजह से वो लग रहा था तो इसी तरीके से मैंने अच्छे से कीमे को भून लिया था और साथ मैंने बनाई थी गरम गरम चपातियाँ मेरा ना ट्राईपोट जो है ना वो टूट गया है और बड़ी मुझे मुश्किल हो रही है तो मैं जब भी उसको सेट करती हूँ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद गिर जाता है तो फिर मुझे बड़ा बड़ा मसला होता है और छुट्टी वाले दिन ना लाजमी होता है कि मैं मीठा कुछ लाजमी बनाती हूँ तो यहाँ पे ना मैंने बनाया था जी गाजर की खीर और गाजर मुझे पता नहीं कैसे इतनी अच्छी मिल गई थी तो फिर मैंने ना गाजर की खीर बना ली थी और यहाँ पे मैंने चावलों को ग्राइंड करके डाला था और दो अदद मैंने इसमें डाल दी थी गाजर और बहुत मजे की बस सिंपल दूध डालें चीनी डालें चावल डालें और हस्बैंड के लिए बना ली थी हस्बैंड को जो है ना मीठा बहुत पसंद है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं छुट्टी वाले दिन ना लाज मीठा बना लिया करूं आप लोगों में से किस किस को मीठा पसंद है अच्छा मैंने अब सोचा है कि मैं ना घर में ब्राउन शुगर ला के रखती हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ना आप अपना डाइट भी शेयर करें तो इन शाला मैं वो भी शेयर करूँगी कि जो मैंने टूटी फूटी डाइट की है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर डाइट करें प्रॉपर डाइट तो होती भी नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हेल्पफुल रहने वाली हैं आप लोगों के लिए जिससे आप लोग का वेट जो है ना काफ़ी हद तक मेंटेन हो सकता है और एप्पल साइडर विनेगर की भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी आजकल इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही है और ऊपर से नेट की वजह से और मुल्क के हालात की वजह से ना काफ़ी जो है वो माइंड डिस्टर्ब हुआ हुआ था लेकिन फिर भी मैंने भी सोचा कि चलो वीडियो जो है वो वॉइस करती हूँ और अपलोड करती हूँ तो आप लोग को अगर जिसको भी वीडियो मिले जो भी वीडियो देखे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये दूध पे अच्छी खासी बलाई आई हुई थी मैंने वो भी डाल दी और जब ये जम गया था ना इतना मजे का लग रहा था मैंने भी थोड़ा सा खाया था हालाँकि मैंने खाना नहीं था लेकिन बस खा लिया बहुत मज़े का बना हुआ था तो फिर मैंने इसको ठंडा करने रख दिया अच्छा मैंने इसको ना इस वाले केक वाले मोल्ड में इसलिए जमाया था मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ी सी ना बड़ी सी चीज़ में जमाओ ताकि इसके ऊपर जो मलाई आती है ना उन्हें बहुत अच्छी लगती है यहाँ रात में ना मेरी बेटी का बहुत दिल था पिज्जा खाने को तो फिर मैंने उसे छोटा सा पिज्जा बना दिया था और बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था यकीन करें इतना मज़े का बना था क्योंकि उसको बस खाली चिकन और चीज़ वाला पिज़्ज़ा चाहिए होता है वेजिटेबल्स वो नहीं खाती फिर ये रात को जो है ना हस्बैंड को मैंने बना के दिया था इंस्टेंट लेमन सोडा तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने आप लोगों ने लेना है ग्लास में नमक डालना है और ये काला नमक मैं फ़लक वालों का लाई थी बॉटल की वजह से लाई थी बड़ा फ़ायदा हो गया आप ज़्यादा निकालना चाहें कम निकालना चाहें बड़ा फ़ायदा हो जाता है आप इसे निकाल लें सिंपली ग्लास में आप लोगों ने काला नमक डालना है और उसमें आप लोगों ने हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेना उसको निचोड़ लें और बीज वगैरह निकालना चाहे तो निकालें और बस चीज में सेवन आप सब्राइट डालें और आप यकीन करें इतना मज़ेदार ये बनता है और इंस्टेंट जो है वो बन जाता है और ईजीली खाना जो है ना आपका हज़म हो जाता है आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी अगर बहुत अच्छी भी नहीं ना लगी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी ब्लॉग में इंशाल्लाह थैंक यू सो मच जजाक खैर हाफिज़